हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज देखिए मैंने फुल पटियाला पंजाबी सलवार बनाई है और सिर्फ मैंने इसको 3 मीटर कपड़े से बना के तैयार किया है। आप इसका फाइनल लुक देख सकती हैं कि किस तरीके से ये बन के आई है। एक एक प्लेट मैंने ज़मीन पे रख के दिखाई है और पीछे से भी इसका बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा है। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम बनाएंगे, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें ज़रूर। आप भूल जाते हो लाइक करना वीडियो देखने के बाद। तो ये देखिए हमने लिया है 3 मीटर फैब्रिक। ये हमारा उसका सैंटून का कपड़ा है 3 मीटर। ये चमक वाला होता है और ये 40 रुपये मीटर मिलता है। तो सबसे पहले पार्ट के लिए कपड़े को फोल्ड करेंगे। पहले 2 फोल्ड करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, और फिर उसके बाद 4 फोल्ड करेंगे। तो अब आप गिनोगे इनको तो ये हमारी 4 तय होंगी। अब उसके बाद आपकी सलवार की लंबाई कितनी है आपको यहाँ पे देखना है। जैसे मेरी सलवार की लंबाई 40 है और 7 इंच मैंने बेल्ट का निकाल दिया, तो अगर आपकी लंबाई 36 है या 38 है तो आप 7 इंच बेल्ट का निकाल के और जितनी भी आपकी लंबाई है उस हिसाब से आप लंबाई लीजिए। तो मैं यहाँ से 41 इंच लूँगी, 1 इंच मार्जिन। अगर हम इसको ऐसे खाली नापते हैं तो ये 34 यानी 34 इंच पर बैठ रहा है। तो हम इस तरीके से पूरा एक सीधी लाइन बना के और इसको हम कट कर लेंगे। ये हो गए हमारे पार्ट, ठीक है। अभी इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद हमें इसमें से कपड़ा कम भी करना है क्योंकि पार्ट की जो हमें चौड़ाई रखनी है वो लगभग 8 इंच रखनी है, क्योंकि 6 की मोहरी मेरी तैयार है। तो बाकी के बचे हुए फैब्रिक से हम अपनी मोहरी वगैरह या बेल्ट में जोड़ वगैरह लगा लेंगे, तो थोड़ा सा और कम कर लेंगे इसमें से। तो देखिए ये मेरा 8.5 इंच आ रहा है, तो वो पूरा ही ले लेती हूँ, 1/2 इंच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिलाई मार्जिन भी चाहिए। अब जो बाकी का कपड़ा है वो मैंने साइड में बचा दिया है, ठीक है। तो ये देखिए अभी इसको बीच से भी कट कर लेते हैं क्योंकि हमें 2 पार्ट चाहिए और 4 कलियाँ चाहिए। तो आप देखेंगे तो ये 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हो गए मेरे। अभी हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बेल्ट निकालेंगे। इस कपड़े को भी हम यूज़ इसका भी बता देंगे आपको। तो ये देखिए पहले हम कपड़े को इस तरीके से 2 फोल्ड करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाई देती हूँ, आपकी जितनी भी कमर है उसमें आप 3 इंच या 4 इंच और ऐड कर लीजिए तो आपकी बेल्ट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से मैं लंबाई में जैसे 7 की तैयार होगी तो मैं 9 इंच ले रही हूँ, क्योंकि हमें 2 इंच जो हम नेफा फोल्ड करते हैं उसमें चाहे आप नाड़ा डालिए चाहे आप इलास्टिक डालिए, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इन लाइनों को 9-9 इंच पर जो मैंने सीधा लाइन बनाई है उनको मैं इस तरीके से एक दूसरे से अटैच कर दूंगी। और देखिए अब यहाँ से हमें अपनी कमर के हिसाब से लेना होता है, तो इसमें मैं थोड़ा सा 3-4 इंच कपड़ा जोड़ूंगी, तो जो भी मेरा बचा था पार्ट में से उसी में से मैं जोड़ लगा लूँगी। तो जैसे मैंने बताया है आपकी कमर जितनी भी है उसमें आपको 4-5 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है। अगर आप काफ़ी हेल्दी हो, आपकी कमर काफ़ी है, तो आपको 25 इंच की बेल्ट काफ़ी रहेगी। तो यहाँ से देखिए जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको मैं 2 तह में बिछा लूँगी। तो मैंने कपड़े को 2 तह में बिछा लिया है, ये देखिए अच्छे से इसको मैं बराबर कर लूँगी। कपड़े को मैंने बराबर कर लिया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आसन लेना है सबसे पहले। तो 7 इंच ऊपर बेल्ट का निकाल के, तो अगर आप हेल्दी हो तो आप 16 इंच पर लीजिए, अगर आप मीडियम साइज़ की बना रहे हो तो आप इसको 15 इंच पर लीजिए। तो मैं यहाँ से 15 इंच पर लूँगी, 16 इंच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है आसन, ध्यान रखें आप चाहे कितने भी हेल्दी हो आप। अब मैंने यहाँ से ऐसे नापते हैं तो 8 आता है, अगर बेल्ट का निकाल के नापते हैं तो 15 पे आता है। तो 15-15 इंच पे लगा के, और इंच टेप को देखिए मैंने इसे तिरछा रख दिया है, तो 2 कली इस साइड से निकलेंगी और 2 कली दूसरी साइड से निकलेंगी। अब यहाँ से बिल्कुल इंच टेप के पास पास ही चलते हुए हम कटिंग कर लेंगे। और ध्यान रखें या तो आप चौक से निशान लगा लें, कई बार ऐसा हो जाता है गलती जो बिगनर्स होते हैं कि एक साइड से कली ज़्यादा कट जाती हैं और एक साइड से कम कट जाती हैं, तो उस केस में सलवार ख़राब हो जाती है। तो कभी भी आप ये गलती ना करें, आप पहले इंच टेप को रख के और निशान भी लगा लें। अब देखिए आपको एक कली वाली साइड बंद मिलेगी और एक आपको आसन वाली साइड बंद मिलेगी, तो उनको आपको ऐसे कट करके अलग कर लेना है। तो यहाँ से मैं आसन वाली साइड को भी कट करके अलग कर लूँगी, क्योंकि हमें ये 4 कलियाँ बिल्कुल अलग अलग चाहिए और इन्हें पार्ट में कैसे जॉइंट करना है वो भी मैं आपको भी बता दूँगी। पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं कि आपकी जो सलवार है और कली है वो पार्ट के बराबर है या नहीं। अगर आपकी कली इतनी ऊँची आ रही जितनी मैंने अभी दिखाई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपकी सलवार अच्छी बनेगी। अगर बराबर आ रही है तो भी अच्छी बात है, ऊँची आ रही है तो भी
कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कली को ऐसे रख के सिलाई कर लेंगे और दूसरी कली को भी ऐसे रख के सिलाई कर लेंगे, यानी दोनों कलियों को सिल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आसन वाली साइड को छोड़ के जो स्ट्रेट साइड थी उसको मैंने अटैच कर लिया, दोनों कलियों को मैंने एक साथ सिल लिया है और बेल्ट में भी मैंने जोड़ लगा लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि हम एक साइड का आसन सिल लेंगे, बैक साइड का, तो दोनों की राइट साइड मिला के यानी कि सीधी साइड मिला के और एक साइड से आसन को हम सिल देंगे। सिर्फ एक साइड का सिलना है, दूसरी साइड का आसन नहीं सिलना है, उसको आपको खुला ही रहने देना है। एक बार दिखाई देती हूँ उसको भी मैं, तो ये देखिए इसको नहीं सिलना है, सिर्फ बैक का सिलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक का आसन सिल लिया है। अभी इसको थोड़ा सा खोल के और अब हम इसमें प्लेट डालेंगे जमीन पे रख के, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं पहले दो प्लेट बैक में डाल दूंगी, तो 3 इंच इधर से और 3 इंच इधर से, तो एक बॉक्स प्लेट डलेगी बैक में। आमने सामने मुँह होगा दोनों प्लेटों का, ध्यान रखें आप। ये देखिए इसका मुँह इसके सामने और इसको उठा के इसके सामने, तो ये हो गई हमारी प्लेट। अब आपको यहाँ से ध्यान देना है कि आपको कपड़ा कितना छोड़ना है और कितने कपड़े में बेल्ट डाल प्लेट डालनी है, तो यहाँ से बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। तो ये दोनों हो गई मेरी कंप्लीट। अभी अपनी बेल्ट लेंगे, तो बेल्ट को हम इस तरीके से मोड़ लेंगे, बेल्ट में जोड़ जरूर लगा लें जो हमने बताया है आपको, और पहले इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे हम बेल्ट के में। ये सेंटर में निशान हो गया, एक छोटा सा कट भी डाल देंगे इसमें। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से 10 इंच छोड़ना है, यानी कि 10 इंच तक आपको कोई प्लेट नहीं डालनी है। अब जितनी भी प्लेट डलेंगी, जो इस साइड कपड़ा छूटा है वो कितना है वो भी नाप लेते हैं, तो वो 14 इंच है, तो उसी में सारी प्लेट हमें डालनी है। तो ये देखिए यहाँ से लेके, मैं एक बार बता देती हूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको खाली सिलाई चलानी है, क्योंकि प्लेट तो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, अब बस इसको यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से यहाँ तक सिल लिया है, अब मेरा बचा 14 इंच कपड़ा, तो उसमें सारी प्लेट हमें डालनी है। और देखिए आप ध्यान दीजिएगा, मैंने सलवार को सीधा करके रखा हुआ है और जो प्लेटों का डायरेक्शन है यानी कि प्लेटों का मुंह है वो मैं आसन वाली साइड को कर रही हूँ, यानी कि जहाँ पे मैं बैठी हूँ मैं उस साइड को कर रही हूँ, और जो प्लेट की चौड़ाई होगी वो लगभग 3 से 4 इंच की होगी, तो मैं यहाँ पे 4-4 इंच की प्लेट डालूंगी। और एक बार आपको नापते हुए चलना है, ये देखिए प्लेट को ऐसे उठाना है और उठा के आपको इसी प्लेट के साथ ऐसे अटैच कर देना है, ये देखिए। और ध्यान रखें इनका जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए, यानी कि इसमें मैं लगभग 1 से आधा इंच का गैप छोड़ रही हूँ प्लेट लगाने के बाद। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल नाप नाप के अपनी प्लेट डालनी है। अगर आप इस तरीके से सलवार बनाओगे तो आपकी सलवार बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए मैंने लास्ट तक ये डालनी है, अब एक बार चेक कर लेते हैं हम इसको। तो देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है मेरा ये वाला हिस्सा। अब मैं दूसरी साइड की डालूंगी, तो दूसरी साइड से भी सेम आसन वाली साइड को ही मुँह होगा। ध्यान रखें जिधर मैं बैठी हूँ मुँह उधर ही होगा प्लेटों का, ऐसा ना हो कि आप उल्टा सीधा कर दें। और सीधी साइड से मैं प्लेट डाल रही हूँ, यानी कि मैंने सलवार को सीधा करके रखा हुआ है तब मैं इन प्लेटों को डाल रही हूँ, और जो मुझे कपड़ा सिलना था उतना मैंने सिल दिया है। और बीच बीच में चेक करते रहेंगे ताकि हमें ये पता रहे कि हमारी जो प्लेट है वो सही आ रही हैं। कई बार क्या होता है कि हम अंदाजे से ही डाल देते हैं तो बेल्ट बड़ी हो जाती है, या मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो आपको फेस करनी ना पड़े, तो इसीलिए आप बीच बीच में चेक करते रहें, तभी मैं आपसे कह रही हूँ। तो देखिए अभी मैंने पूरा अच्छे से कर लिया है क्लियर इसको, अब एक बार नाप के देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, एकदम बराबर आया है। अभी इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे और यहाँ से इसको सिलाई कर देंगे सीधा ही। अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी हमको प्रॉब्लम, क्योंकि हमने इसमें जो हमें जितना कपड़ा सिलना था हमने सिल दिया है, और हमें सिर्फ इसमें अब सिलाई लगा के और एक सिलाई इसके ऊपर से लगा देनी है। तो ये देखिए मैं इसके ऊपर से एक सिलाई लगा रही हूँ, और सिलाई लगाने के बाद अब फिर हम इसका जो दूसरा आसन है उसको भी सिल लेंगे। तो ये देखिए मैं इसका जो कपड़ा है वो ऊपर की साइड को ही मुँह करके तब कर रही हूँ, सिल रही हूँ उसको। और पिन सारी निकाल देंगे अब, क्योंकि अब जो हमारा पिन वाला काम था वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब बस हमें इसमें नेफा बना लेना है। तो सबसे पहले हम लगभग 1/2 इंच सिल के और फुट को उठा के और 1 इंच तक खाली छोड़ेंगे, मतलब वहाँ सिलाई नहीं चलाएंगे, और बिल्कुल आसन तक सिल लेंगे हम इस तरीके से। यहाँ से हमने आसन तक सिल लिया है इसको, और आसन तक सिलने के बाद यहाँ से अब हम इसमें नेफा बना लेंगे। तो इस साइड से सिलेंगे हम, और फिर हम दूसरी साइड से सिल के और इसको पूरा कंटिन्यू तैयार करेंगे। ये देखिए यहाँ से मैं इसको लगभग, जैसे मैंने 2 इंच ज़्यादा लिया था
तो मेरा आधा इंच तो चला गया जब मैंने बेल्ट को जोड़ा, और एक इंच सॉरी डेढ़ इंच मेरा चला गया इसमें जिसमें मैं अपनी सिलाई कर रही हूँ, नेफे में चला जाएगा जिसमें हम नाड़ा डालेंगे। अगर आप इसमें इलास्टिक डालना चाहती हो तो आप इलास्टिक भी डाल सकते हो। कहीं पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, एकदम से अच्छी मेरी फिनिशिंग के साथ बेल्ट बन गई है। ठीक है, अब हम अपनी मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी के लिए आपको मैंने ये फोम वाली बुकरम ली है, आप नॉर्मल बुकरम या पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हो। अपनी मोहरी से आपको डेढ़ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, चाहे पेपर पेस्टिंग है चाहे कपड़ा है कुछ भी है, डेढ़ इंच ज़्यादा लेना होता है। अभी इसको हमने ऐसे सिल दिया है, पहले हमें कपड़े को सिलना है सीधी साइड को रख के कपड़े को उल्टा करके। ठीक है, अभी फोम वाली बुकरम को रखना है और ऐसे पलट के आपको बिल्कुल इसे ऐसे सेट करके रखना है ताकि इसमें बिल्कुल भी गैप ना रहे और ये लूज ना हो, क्योंकि हम फॉर्म के ऊपर सिलाई नहीं लगाते हैं जब उसको उसके साथ अटैच करते हैं मोहरी के बेस के साथ। बेस बोले तो जो नीचे का बॉटम होता है, क्योंकि फिर वो कट जाती है जो फॉर्म होती है। तो सिर्फ हम डिज़ाइन बनाते टाइम उस फॉर्म पे सिलाई लगाते हैं। पहले हम एक सीधी लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन बनाने के बाद दो सीधी लाइन बना के और फिर हम इसमें जिगजैग वाला डिज़ाइन देंगे। तो जिगजैग वाला डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग आप जो भी इसमें डिज़ाइन बनाना चाहती हैं वो आप इसमें बना सकती हैं। तो यहाँ से मैं इसमें सेम ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रही हूँ जिगजैग वाला डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए, ये डिज़ाइन बनाने के बाद अभी हम क्या करेंगे कि एक सिलाई हम इसके ऊपर से और लगाएंगे, मतलब एक बार जिगजैग वाला डिज़ाइन एक बार सीधी सिलाई। तो ऐसे ही कंटिन्यू हमको ये करना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ से पूरा कंप्लीट इसको कर लूँगी। और इस सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गई, इस बुकरम की जो चौड़ाई मैंने ली थी वो मैंने 3 इंच ली थी, तो ये चीज़ हम बताना भूल गए। तो हम अभी बता रहे हैं आपको 3 इंच चौड़ाई ली थी ताकि इसका लुक अच्छा है मोहरी का। अब इसकी फिटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कितने इंच की आपको चौड़ाई रखनी है। जैसे मुझे 6.5 की रख के और तिरछा निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको तिरछा निशान लगा के और बिल्कुल आसन तक ले आऊँगी। अब जैसे मैंने आपको ये वाली मोहरी बनानी बताई है, जो इसका दूसरा पार्ट होगा मोहरी का, उसको भी हमें सेम ही बनाना है, उसमें भी कुछ भी अलग नहीं है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हमने आपको एक में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। फिर भी कहीं पे कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, पूरा कपड़ा नहीं कट करना है, 1-1 इंच कपड़ा रखना है इसके अंदर ताकि कभी टाइट लूज कर सको। तो देखिए ये लुक ऐसे आता है साइड से ही, देखिए बड़ा प्यारा लुक आता है। और पहनने के बाद में ये सलवार इस तरीके से दिख रही है। अगर प्लीज़ अच्छी लगे तो रिक्वेस्ट है आपसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा। और नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद।